दीदी की चाबी होगी ना यहाँ पे? नहीं यार, कहाँ चाबी है? चाबी तीनों ग्लास में है, तीनों के तीनों कोई चाबी नहीं ऊपर आ गया मेरे तो नीचे की चाबी नहीं लेके आया, डोर भी क्लोज करा है, कांच बंद है पूरे। एक खुल जाएगा चाबी वाला बैठता है, मुझे पता है कहाँ पर लो, मुझे लगा खुल जाएगा इसके पास कोई है, चाबी वाला बैठता है रात में। हाँ रात में कहाँ बैठेगा, 12 बजे रात में 11 बजे 10 बजे सबका स्वागत है। फ्रेंड्स अभी इतना शोर हो रहा था यहाँ पे इतना ज्यादा, सब एक दूसरे से इतना ज्यादा लड़ रहे थे, लेकिन जैसे हमने ब्लॉग ओपन किया एकदम शांति हो गई। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा वो चिकन चंगेजी बनाने जा रही थी, बन चुका है और सब लोग डिनर के लिए आ गए हैं। अब देखते हैं कैसा बना है, खाते हैं। लड़ लिया अम्मा, कौन गलत है अम्मा बताओ? चाबी अम्मी भूल के आई है, ठीक है? और कौन है? तीनों अम्मा आपकी भी गलती है, घर के बड़े को जिम्मेदार होना चाहिए। नतीजे में पहुंची है अदालत, इस नतीजे में पहुंची है। मुलजिम कौन है? मुलजिम बेटी खाला है। मैटर को अभी दूसरी तारीख दे दी गई है, अभी यहाँ पे से होल्ड पे डाल रहे। तो फ्रेंड्स ये बन गई हमारी चिकन चंगेजी, ये देखिए। हमेशा मैं कोरमा बनाती हूँ, मुझे ना फ्रेंड्स कुछ कुछ खाने में ज्यादा एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी ये थोड़ा इजी वाला था इसलिए मैंने बना दिया। अम्मी जल्दी से वाला टेस्ट करो और बताओ। बस सही है। फ्रेंड्स हो चुका हम लोग का डिनर और अभी रात में प्लान बन गया है कि हम लोग जा रहे हैं सूट्स लेने, क्यों लेना है, किसके लिए लेना है, क्या क्या लेना है, वो हम सब आपको बाद में बताते हैं। तो अभी जस्ट निकल रहे हो कि सनी को कहीं और निकलना है तो वो हमको ड्रॉप करते हुए निकल जाएंगे। रिजा तो एकदम मैनेजर बन गई है। कार में इतने सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं और रिजा आ रहे हैं ऑटो से। चले ऑटो मिलना भी तो चाहिए। हाय बेटा रिजा, हमारे पुराने वाले दिन याद आ गया था, ऐसे हम लोग ऑटो में जाते थे बहुत टाइम बाद ऐसे बैठे। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा सामने नूरी। ये कलर देखो, पहुंच गए शॉप पे, अब चूज कर लेते हैं फिर आपको घर जाके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स सवा लोगों को मैंने छोड़ दिया है, उनको शॉपिंग करना था रमजान की, और हम लोग निकल गए हैं जो मेरे मौदास है, जो रिश्तेदार आए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मुंबई में, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, काफी दूर है। चलो अम्मा अब तुम्हारी बारी। ये वाला चाहिए, ऐसा दुपट्टा ओढ़ोगे? सूती ले, कॉटन है ये, थोड़ा मुलायम है, छू के देखो मुलायम है, और देख लो ये अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलो यही दिला दो। अम्मा आपका सूट अच्छा लग रहा है। जब तक दुनिया में जियो, जब तक तू ही चाहियो कि तुम्हारे भरोसे हूं। फ्रेंड्स रमजान में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, बार बार अपने पास में बॉटल रखे पानी पीते रहे, ये सब चीजें जब खाते हैं पीते हैं मतलब पानी भी पी के अल्लाह का शुक्र निकलता है मुझसे, अल्लाह बस सबको दे। फ्रेंड्स आज सनी और रिहान तो बाहर चले गए, हम लोग को लेके भी नहीं गए, हम दोनों अकेले यहाँ पे बैठे। इसके एग्जाम खत्म हो गए तो इसको लग रहा है की ये शॉर्ट्स देख लूँ वो शॉर्ट्स देख लूँ, इतने दिन से मैंने नहीं देखा था, सोचा मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। और पता है कैसा मीठा? न्यूटेला पफ हो गए, वॉफल हो गया, डोनट हो गया, या फिर गुजिया हो गई, या फिर बकलावा हो गया। तुम्हें इस वक्त क्या मन कर रहा है? रूह अफ़ज़ा पीना है। पी नहीं पा रही मैं, गुड गर्ल हो गई है रिजा, मीठा बिल्कुल अवॉइड कर रही है। अभी तक जाग रही है, इंतजार में कि जूस आएगा तो पीऊंगी। एक तो ले नहीं गए, ऊपर से चिढ़ा रहे हो कि अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा है। तो हम लोग क्या मोहम्मद अली रोड कभी नहीं जाएंगे? कल चलेंगे मोहम्मद अली रोड। मेरे गुल्लक का मुंह बहुत छोटा है। फ्रेंड्स अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सैरी के बाद, सैरी में आज ज्यादा कुछ शूट नहीं किया, हम लोग नीचे चले गए थे, आज मुझे पराठे बनाने में थोड़ी सी आलस आ रही थी, हमने कहा नीचे ही जाके कर लेते हैं। अभी टाइम हो गया फजर का, फजर की नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। नमाज हो चुकी है फ्रेंड्स, सोने वाले कपड़े भी पहन लिए, हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह उठ के। अल्लाह हाफिज़। जोहर की नमाज पढ़ने के लिए बालकनी में आए तो देखा ये फूल निकल चुके हैं, ऐसे पता नहीं अब कैसे चिपकाऊं। यहाँ पे नमाज हो गई है, नमाज के बाद मैं अम्मी और रिजा आ गए थे आज इन्फिनिटी मॉल, मुझे अम्मी को काफ़ी दिनों से लेके आना था, और दिन में आते हैं ना मॉल एकदम खाली रहता है। अभी इस वक्त हम वेस्ट साइड में, इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन आए थे चप्पल के, मैंने लिए हैं, आपको घर जाके दिखाती हूँ। अरे वाह घर तो अच्छा लग रहा है। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा, नेक रहा, अल्लाह पाक। न्यू पर्दे चेंज लग रहा है ना थोड़ा?
फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं घर और अभी मैं जल्दी से असर की नमाज पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया। फिर देखते हैं आज इफ्तार कहाँ होगा क्योंकि भाई भाभी आज बाहर चले गए रूहान को लेके, शायद वैक्सीनेशन है रूहान का। आज हमारा इफ्तार जो हो रहा है वो हो रहा है अम्मी के घर, क्योंकि आज कम लोग हैं तो फिर अम्मी की मन तो हमेशा ही रहता है कि यहीं पे ही हो, लेकिन लोग ज्यादा होते हैं तो कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है। तीनों ही घर अपने हैं लेकिन यहाँ पे करने में ना पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तुम क्या कर रही हो? ड्राई क्लीन वाले भैया से बोल रही हूँ कारपेट देख के जाओ, मैचिंग की डालना है ना। जब कर्टन चेंज होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि फिर आज ही अगर पर्दे चेंज हुए हैं तो आज ही कारपेट भी आ जाए, सब कुछ हो जाए। और रेहान वहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? देख रहा है। सबसे मुश्किल काम तो रेहान कर रहा है, देख रहे हो? मैं वो प्लेट्स काउंट कर रहा हूँ। वाला काम है फ्रेंड्स जो शोले फिल्म में सांभा का होता था, ऊपर जो पहाड़ के ऊपर चढ़ा रहता था, पूछता था होली कब है। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा लेकिन कोई ऐसा करेक्टर था जो पहाड़ शोले से अमिताभ बच्चन की वजह से याद है। इरशाद तुमने देखी है शोले फिल्म? गब्बर था, गब्बर का एक वो था जो साथ में रहता है दोस्त, तीन थे, धर्मेंद्र था। गब्बर के मतलब वो तीन डाकू, हाँ जो ऊपर एक पहाड़ पे चढ़ा रहता था, वो तीन डाकू याद है। फ्रेंड्स आप लोग बताना वो कौन था, याद नहीं। ओए अम्मी देखो मुझे अब आया है सना खान वाली कंपनी से। अच्छा वो यही वाली वो सना सना, हाँ आया बाय सना खान की तरफ से, फैन के डाला मेरा। देख सना वाली ब्रांड से आया है, मंगाया था नहीं उन्होंने भेजा है, गेट बाद में खोली हूँ। अच्छा हाँ वो तो बहुत अच्छे पहन देखती हूँ। इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट हो चुका है फ्रेंड्स, अब दुआ कर लेते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपने लिए तो क्या, अल्लाह ने हमें तो सब कुछ बहुत सारी चीजें दी हैं, जिन लोगों को नसीब नहीं हो रही है उनके लिए दुआ करते हैं और फलस्तीन वालों के लिए दुआ करते हैं। इफ्तार के बाद फ्रेंड्स इलेक्ट्रिशियन भैया को बुला लिया था और जो लाइट्स रखी थी वो हमने सोचा हम लगवा देते हैं, और सब कुछ हो ही रहा था फ्रेंड्स तो हमने सोचा कि कुछ और अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं अम्मी के घर को। यहाँ पे रॉयल ओक है मीरा रोड में, वहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्लावर का बड़ा सा पॉट देखा था मैंने, तो हम लेने आ गए। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी कि लाइट पिंक लूँ या डार्क, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि हम डार्क वाला ही लेते हैं, क्योंकि अम्मी के घर का जो एम्बियंस है वो ऑफ वाइट है, बेज है, तो इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट होगा। और मैं इसलिए खुश थी क्योंकि इसका प्राइस जो है वो मुझे, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना महंगा नहीं मिला, काफी ज्यादा कम रेट में मिल गया है क्योंकि यहाँ पे चल रहा था बहुत सारा डिस्काउंट। बहुत ही प्यारी प्यारी और नई नई चीजें थी, ऐसा लग रहा था सब कुछ ले लें लेकिन ज्यादा कुछ लेके मतलब नहीं है, घर छोटा है कहाँ पे रखेंगे, लेकिन एक वास चाहिए था तो हम वो भी देख रहे थे। मुझे ये व्हाइट अच्छा लगा, ये ऐसा कलर है कि सबके साथ चला जाता है। वहाँ पे सोफे भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहे थे लेकिन फिर अभी हमने सोचा ले लें और फिर साइज सही ना आए तो फिर ऑर्डर पे बनवा लें। उसके बाद हम आ गए हैं लाइट्स की शॉप पे क्योंकि हमारे घर में ना एक छोटी सी जगह खाली थी, वहाँ पे वायर लटका हुआ था, अब तक साइड का एक हैंगिंग लैंप नहीं आया था, तो यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत लैंप्स थे फ्रेंड्स, बड़े बड़े बंगले के हिसाब से। हमें तो एक छोटू सा चाहिए था तो बस हम वही देख रहे थे कौन सा लिए, हम आपको घर चल के दिखाते हैं। और ये इतना बड़ा सा एकदम पूरा फुलवारी वाला पेड़ लेके आ चुके हैं हम लोग घर, और अब देखेंगे हम घर वालों के रिएक्शन। उससे पहले मैं ये जो लैंप है वो अनबॉक्स कर लेती हूँ। यहाँ के लिए लाइट, ये ऐसी क्या है, सोचो बताओ तो बड़ा फूल। आपको को फ्लावर पसंद है, हर जगह फ्लावर फ्लावर ढूंढती है तो पूरा पेड़ ले आए बड़ा वाला। हमारे काम से खुलेगा पेड़ है पूरा पेड़, ये हमने आज दिन में देखा था, मुझे अच्छा लग रहा था। लाई तो एक ही बार में दिल खुश कर दिया। अगर मेरा हॉल ऊपर अभी सब कुछ अच्छा हो गया होता तो मैं अपने लिए भी ऐसा लेती। ये मम्मी के लिए इतना अच्छा हमने नकली कभी नहीं देखा आज तक। तुमने एक ही बार में पूरे खत्ते दे दिया, दिल से खुशी हो रही है। अभी भी देख देख पढ़ती रह करूंगी, यही देखती रह, आंखों में ठंडक पहुंच रही है। अच्छा जो मुझे पसंद है। और अम्मी मतलब अभी डिस्काउंट में आपको सच बताऊं तो ज्यादा महंगा भी नहीं मिला, 8,000 का।
नहीं ऐसे डबल प्राइस है, किस्मत अच्छी कि सेल में मिल गया आधे पैसों में, नहीं तो फिर 16-17 का मिलता। सही टाइम पे पहुंची, सही टाइम पे पहुंची, किस्मत की बात होती है। कलर भी अच्छा देखती है, कलर यही और एक हल्का गुलाबी, तो हल्का नहीं अच्छा कलर अच्छा। इधर और कुछ नहीं रखना आप, ठीक है? टेबल में भी रख सकते हो, आपका घर भी तो हो जाए। भाभी ने पर्दे मंगवा दी थी, लाइट मंगवा दी थी, फिर हमने सोचा कि चलो अच्छा है कि अब घर जो है वो अम्मी का भी डेकोरेट कर दे, हम सब अपना करते रहते हैं तो अम्मी का भी हो जाए। बेटी अरे देखो आठ का पूरे घर की रौनक, मैं भी खरीद के ले जाऊ, दिल में बसा है, ले चलो बंदर आएगा दिला देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, हम इसी को देखेंगे जब तक जिएगी, इसी को देखेंगे। मैंने वही बोला है सालू चली जाएगी मौदा, तो इसी को देखती रहूंगी, एक हर पत्ती में सालू की याद। ऐसे बोल रही है दुनिया छोड़ के जा रही देखने, इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा होगा। हर जगह गए नहीं, पता क्या हमें पेड़ पत्ते कितने पसंद है, पेड़ अच्छा तो हमें कट्टे लाके दे दिया, ऐसे लगेगा ये। अभी हम पी रहे थे अपनी चाय, मैंने इफ्तार के बाद चाय पी नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग बाहर चले गए, सोचा आज पूरी चीजें हो रही है तो सब करा देते हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनल हम आपको दिखाते हैं चाय पीने के बाद, पहले चाय पी रहे थे ना, तुम्हारी भी है इसमें, मेरी कैसे हुई, बहुत सारी है ये। नहीं मैं इस टाइम चाय नहीं पीती। फिर ये किसकी है, हमारी है, इतनी सारी। ये लाइट बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन बेचारी को समझ में नहीं आ रहा है, रखेगा इसको, लग रहा है गिव अवे कर दे, खूबसूरत है लेकिन जगह नहीं मिल रही इसकी। ये हमने सोचा था हम इसमें लपेट के जलाएंगे लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहा, वरना बहुत खूबसूरत है। फ्रेंड्स आज हम गए थे अम्मी के साथ मॉल, हमें कुछ काम था थोड़ा बहुत, वहाँ पे हम इतनी अच्छी चप्पल दिख गई तो आज मैंने कुछ ज्यादा ही चप्पल खरीद ली है। फिर मैंने आज सोचा कि ठीक है अगर मन कर रहा है तो ले लो, पहले थी बहुत सारी, काफी सारी मैंने सबको दे दी, अपने रिश्तेदारों में बाहर जरूरतमंद लोगों को मैं देती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने उस तरीके से चप्पल ली जो मुझे कंफर्ट में अच्छी लगे, मैं थोड़ी ज्यादा चप्पल ले ली। अभी सनी को भी नहीं बताया, आपको दिखाती हूँ सनी को भी। वो मेरे होशियार ने कितना अच्छा एकदम उसको आइडिया दे दिया, रखा हुआ भी कितना खूबसूरत लग रहा है। जब भी मैं चप्पल लेती थी ना फ्रेंड्स, मैं ये सोचती थी मेरी हाइट बड़ी दिखे क्या अच्छा लगे। जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना हम लोग ये सीख जाते हैं, हमें जो अच्छा लग रहा है हमें वो करना है, अपना कंफर्ट देखने लगते हैं। इससे पहले मैं चपटी चप्पल कभी नहीं लेती थी ना, अम्मी मुझसे कहती थी शालू फ्लैट लिया करो, मुझे लगता था नहीं अम्मी ऊंचे दिखेंगे ऊंचे दिखेंगे। मैंने सोचा कि किसको दिखा, किसी कहीं जाना आना तो चपटी वाली होनी चाहिए, फ्लैट ना सनी तो कम्फर्ट होना चाहिए। अच्छा तो नहीं कलेक्शन थोड़ी ज्यादा ले ली है, कोई बात नहीं दिखाओ तो सही। सबसे पहले तो आप ये देखिए अच्छी लग रही है, अच्छी है। और ये सब कराने में रिजा भी जिम्मेदार है कि वो भी कह रही शाहरुख की ऐसी, हाँ तो अच्छी लग रही है वो, मैं अपनी पुरानी साड़ी हटा दूंगी ठीक है। अच्छी है तो एक ये हो गई, मुझे नहीं पता थी, मुझे एक दो जोड़ी पता थी, नहीं ज्यादा है तभी तो मैं कह रही हूँ, थोड़ी ज्यादा वाली हील ले ली है, मीडियम हील ली है। ऐसे मैंने कल करीना कपूर को ब्राउन थोड़ी पहनी हुई देखी थी, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। कितनी ले रही हो, पूरी दुकान खोलना है ना तुम्हें, अब ले लेते पुरानी सब, मैं किसी को गर्म रंग का दे दूंगी, मैं थोड़ी अपनी कम्फर्ट के हिसाब से लाई थी, और सर ये ज्यादा भी महंगी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, ये अम्मी ने चूज की थी, और जैसे सब अलग अलग हिसाब से, जैसे एक और सेट पहने तो ये मैचिंग कभी कभी आउटफिट में पाकिस्तानी सूट्स में भी जाता है, ये वाला तो सब में चला जाता है, नारकली पहनो कुछ भी पहनो उसमें भी चला जाएगा, और ये ना लखनवी में बहुत अच्छा लगेगा ना क्योंकि उसमें भी कढ़ाई होती है। तुम ले गए, तुम समझोगी कौन सा किस्म अच्छा लगेगा। और एक मेरी सबसे फेवरेट चुपी थी, तुम पास से देखो, अच्छा, ये वो वाली देखिए, इसका मेन यूनिकनेस तो ये है, हाँ, धागा कैसी है, सारी अच्छी है बस, और है अभी, हाँ, सारे कपड़ों में जाती है, तो ये वाली इसे कभी ऊंची पहनना है फोटो शूट में तब, और ये वाली फ्लैट जैसे कहीं घूमने जाना, बस लास्ट है। अब अगर किसी कपड़ों में व्हाइट में जाना हो तो ये अच्छी, साल भर कोई चप्पल नहीं लोगी, पक्का नहीं लोगी, ईद पे भी नहीं लोगी, प्रॉमिस। आप कोई नहीं, अभी तो बस यही ईद है तुम्हारी, बस हो गई है। मैं आपको पहन के भी दिखा देती ये वाली, मॉल में सब लड़की चप्पल पहने घूमती हैं, तो मैं कहती थी सारू तुम ऐसी क्यों नहीं पहनती, इस बार लाई है वो अच्छी मेरी पसंद की। पता है फ्रेंड्स तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, मुझे थोड़ी लेट अकल आती है हमेशा, मुझे ये फील होता है, मैं पहले सोचती थी नहीं अम्मी मेरी हाइट नहीं दिखेगी, बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं दिखेगा, फिर मैंने कहा ठीक है जिसमें अच्छा लगे वो होना चाहिए। कैसी लग रही है, झूठी लंबाई बढ़ाई क्या मतलब, जो है तो सामने है ऐसा नहीं सही, जो है सामने है और क्या। अम्मा ये चप्पल कैसी है, मसला का जमीन जैसे नांगा थी।
पूछते नहीं आपकी सबसे फेवरेट कौन सी है? ये रजा की भी थी। अम्मी आपकी? मेरी सब है, मेरी तो। अम्मा बस... कौन सी अच्छी है? बीट वाली। कौन सी? ये आसानी जो खाएगा अम्मा तो बस वही। आजकल ये ना बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा। रिजा बोल रही है कि ये वाली आजकल बहुत ज्यादा चल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्लैट है ना, आवाज भी इससे बहुत अच्छी आती है। चलो पैर भी इसमें स्टाइल से रखा जाता है। अच्छा हाँ, ऐसे मतलब मुझे पता है, इसे मतलब समझ गई ना। हाँ ऐसे ऐसे मैंने अपनी चार पाँच मिनट के लिए रख दी, फेंकाई। अब पता नहीं वहाँ कहाँ रख दी होगी, बर्तन धोने की जगह में। सामने ही रखेंगे पक्का। हाँ तभी तो इतनी जल्दी नहीं। अल्लाह मुझे पता नहीं क्या गिर गया होगा। ये भी अपने लिए कुछ लेके आई है। बताओ क्या आया हो, क्या लग रहा है भाई आपको? मैं कब नकू क्या जल्दी बताओ, मुझे नहीं। चलो खोल लो जल्दी। ओ परफ्यूम, ये पूरे परफ्यूम का सेट है। नमाज नहीं होगी ना? ये मिनी परफ्यूम है, एक बड़ा लेने से अच्छा। अब ये नया ट्रेंड चला है कि मिनी वाले 10 अलग अलग फ्रेग्रेंस है। ये लड़कों के भी है इसमें से? नहीं अच्छा है। कितना अच्छा काम की चीज लाई हूँ कि 2000 में इतने पूरे 10। हाँ सही है। और वो एक बॉटल 2000 की उसके बदले में। इसके बाद भाई भाभी और रूहान भी आ चुके थे। रूहान का वैक्सीनेशन हो चुका था। हम लोग काफी देर बैठे, बातचीत की, उसके बाद बस अब वो लोग चले गए हैं। स्टोरीज भी डालनी है। आज हम गिव अवे नहीं कर पाए क्योंकि बाहर चले गए थे। बहुत ही प्यारा सा आउटफिट आया है हमें अदबकारी बाय दानिया की तरफ से, तो इसको हैंग करके फिर हम दिखाएंगे। सनी बैठे बैठे हमारी हेल्प करते हुए आपको घुमा देते हैं। हमारी हेल्प कर रहे हो तो ये गिरना जाओ। ये क्या है, बहुत दिनों से रखा हुआ था। ओ अच्छा, ईदी का हैंडमेड गिफ्टिंग की तरफ से ना ये ईदी पाउचेस आए हैं। बड़े क्यूट से लग रहे हैं, आप इसमें डाल के बच्चों को ईदी दे सकते हैं। कितनी नई नई चीजें आने लगी है। थैंक यू सो मच आंचल। वॉक करने के लिए आए फ्रेंड्स हम लोग आज रात में, काफी दिनों बाद। नरिजा बहुत दिनों बाद यहाँ पे सब लोग बैठ के अब फुर्सत से थोड़ी देर व्लॉग देख रहे हैं। भाई का, भाभी का, जिसका भी आता है वो देखते रहते हैं। रिजा अपना टैब चला रही है। काफी सुकून का माहौल लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको सोचा ये लाइट बंद करके दिखाऊं, कितना प्यारा लुक आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।